मेरा नाम मोहम्मद आसिफ चौधरी है। मैं होल सिटी का रहने वाला हूँ, खिलवत से। आने वाले इलेक्शन में आप जिसको भी वोट देंगे सोच समझ कर वोट दो, क्योंकि डेवलपमेंट चाहिए हमको। होल सिटी में तो कुछ नाम का डेवलपमेंट नहीं है। जहाँ 5 साल 10 साल भी अगर वही देखेंगे तो वही है होल सिटी में। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। दे रहे हैं तो डेवलप होना, वित्त डेवलपमेंट नहीं देना। जो भी पार्टी को दे रहे हैं सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लेते, 5 साल में आते फिर वोट लेते फिर जीत जाते। फिर वही देखो होल सिटी में, वही नाम का डेवलपमेंट। वही न्यू सिटी में देखो 2-3 ईयर्स में हम जहाँ जाके देखे थे वो और एक्स्ट्रा बढ़ जाता, एक्स्ट्रा चेंजेस आ जाते। होल सिटी में वैसा कभी नहीं आता। 15-20 साल से भी अगर वही देखे तो होल सिटी में वही पुराना है। होल सिटी में सिर्फ जॉब आनी है, वो नहीं है। अब मैं MBA क्वालिफाइड हूँ बट मेरे को 25-30 हज़ार रुपये वो मिलती। हमारे लोग यहाँ से छोड़ के दूसरे कंट्रीज में जाके जॉब करते हैं। क्यों करते? होल सिटी में डेवलपमेंट नहीं है, होल सिटी में कंपनीज नहीं है बड़े बड़े। वो ओला या रैपिडो चलाने वाला कमा ले रहता है, तो पढ़ लिख के कमाने वाला क्या करेगा? पढ़ लिख के कमाने वाला भी इतना ही कम कमा रहा, फ़ायदा क्या? यहाँ से दूसरी कंट्री में जाके, हम हैदराबाद में ही कमा, दूसरी कंट्री में जाके नहीं कमाना। इसलिए सोच समझ के दो, धर्म के नाम पे वोट मत दो, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दो। अपना राइट्स है वोट देना, वोट दो, हर कोई वोट दो, डेवलपमेंट के नाम पे दो, धर्म के नाम पे मत दो। BRS जब से आई फिर भी डेवलपमेंट हुआ, कंपनीज है, न्यू कंपनीज है, IT कंपनीज है जो बहुत ज़्यादा वो है, कंपनीज है जिसमें जॉब्स मिल रही बट सैलरीज कम है। MBA पढ़ने वाला भी 30,000 कमा रहा, वो फ़ायदा क्या? 24-25 थाउजेंड उसको सैलरी आती। वो ओला रैपिडो कमाने वाला भी इतना ही कमा ले रहा, तो उसको फ़ायदा क्या होने जब इतना क्वालिफाइड हो गए? तो कंपनीज और आना, ऑल ओवर वर्ल्ड से कंपनीज आना अपने पास में। तो यहाँ पे इतना डेवलप होना, जो कंपनी अपने को डेवलप करती है, जो पार्टी अपने को डेवलप करना चाह रही, अपने को आगे बढ़ाना चाह रही, हम वही पार्टी को सेलेक्ट करना। जैसा BRS है, कांग्रेस तो वादे कर रही बट आने वाले साल में कुछ भी नहीं कर रही। सो ये कांग्रेस जब से BRS आई, कंपनीज आए, बहुत सारे कंपनीज आए, जाके गच्चीबौली हाईटेक सिटी माधापुर देख लो, वहाँ जंगल था, जंगल जाके डेवलप हो गया। हम खुद परेशान हो गए कि इतना ज़्यादा डेवलप हो गया वहाँ, तो होल सिटी क्यों डेवलप नहीं हो रहा? धर्म के नाम पे मत दो वोट, दे रहे हैं तो डेवलपमेंट के नाम पे दो, ताकि होल सिटी में लोग आना डेवलपमेंट देखने। हम न्यू सिटी नहीं जाना, न्यू सिटी वाले होल सिटी आके देखना, सब मिलजुल के रहना। न्यू सिटी में हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते, साथ में खाते, साथ में बैठते, साथ में कमाते, बट होल सिटी में वैसा नहीं करते। सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ा देते, 5 साल में एक बार आते, वोट लेते चले जाते, डेवलपमेंट नाम का नहीं करते। MIM पार्टी जो है होल सिटी की हद तक है बट डेवलप नहीं है। सिर्फ स्ट्रक्चर बताए कि हम आने वाले साल में हम इतना डेवलप करेंगे बोल के। अब देखना ये है कि वो लोग लाते नहीं लाते मेट्रो होल सिटी में। अब तक तो नामपल्ली तक है रेलवे, यहाँ तक है रेलवे, अपने जुबली हिल्स बस स्टैंड MGBS वहाँ तक है। अब होल सिटी में भी तो आना ना, पब्लिक वही चाह रही। होल सिटी में भी मेट्रो आना, होल सिटी में भी कंपनीज आना, होल सिटी में भी डेवलप होना। MIM पार्टी जो है स्कूल्स कॉलेजेस ओपन कर रही नहीं कर रही नहीं, हॉस्पिटल्स है, स्कूल कॉलेजेस है, बट जैसा न्यू सिटी में है फैसिलिटीज वैसे होल सिटी में नहीं है। अब हल्लू स्टार्ट हो रहे बट अभी उतना नहीं हुआ। फिर भी हर बेरोजगार को भी जॉब है, रैपिडो से ले लो, ओला से ले लो, यूबर से ले लो, स्विगी जोमैटो, नए पढ़ने वाला भी कमास ले सक रहा। कौन सी पार्टी है तो होल सिटी डेवलप हो जाता? तेलंगाना वाले तो BRS वाले जो है वो लोग का जो सोच है डेवलप करने की वो बहुत अच्छी तरह है। कांग्रेस वाले जो है आना, कांग्रेस आना सेंट्रल से आना अच्छी बात है। वो तेलंगाना की हद तक BRS ही बेस्ट है, क्योंकि KTR जो है सो इतना अच्छा डेवलप करे हुए है न्यू सिटी में, तो हमको उम्मीद है कि होल सिटी भी वैसे ही डेवलप करेंगे आने वाले टाइम में। क्यों बोले तो लोग जो स्ट्रक्चर बताए होल सिटी का लेके, जैसा मेट्रो के लिए और मलकपेट पे वो IT कंपनीज के लिए, वो बहुत अच्छा है, बहुत सही है वो वर्क। अगर मलकपेट पे भी IT कंपनी स्टार्ट हो गए तो कहीं होल सिटी के जो आउट ऑफ कंट्रीज आगे कमाना चाहते
वो उनको यहीं जॉब मिल गए तो लोग आउट ऑफ जाके क्यों करेंगे? सेंट्रल पार्टी रहने दो या बीआरएस पार्टी रहने दो, कौन सी भी ऑल ओवर इंडिया की पार्टी रहने दो, कि यही सोचना हमारे देश का बच्चा हमारे ही देश में कमाना, अदर कंट्रीज में जाके नहीं कमाना, घर परिवार छोड़ उसको इतने फैसिलिटीज देना, पढ़ लिख के उन अपने आगे जेनरेशन को बढ़ाना।